ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है संपन्न बनने की सहज विधि। प्रस्तावना। संपन्न बनने के लिए समय की समीपता के नजारे देख रहे हैं। बापदादा ने भी सीजन की पहली वाणी में भी सार रूप का पुरुषार्थ ही बताया है। वह है कि सारे दिन में मेरा बाबा का अनुभव होता रहे। मेरा बना दिया तो याद अमर है। वैसे देखा जाए तो छोटी सी मेरी चीज भी भूलना मुश्किल है, तो बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। अव्यक्तवाणी डेट है 12 अक्टूबर 2014। बाप दादा ने अपनी अलग अलग वाणियों में संपन्न बनने की बहुत ही सहज युक्तियां समय प्रति समय बताई है, जो हम बच्चे सहज रीति से और निरंतर कर सके। ऐसे कोहिनूर समान सिलेक्टेड ज्ञान रत्नों का यह बहुत ही अनमोल संग्रह है, जो हमेशा अपने साथ रखकर सहज ही स्मृति में दोहराते हुए कर्मयोगी परिष्ठापन का अनुभव करे और अपनी ऊंची स्थिति द्वारा जल्दी ही बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। पहला टॉपिक है सहज पुरुषार्थ। निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं बाप का है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 अप्रैल 1977। अभी परमात्मा बाबा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो, सबकी एक ही धुन हो बाप दादा। अव्यक्तवाणी डेट है 1 जनवरी 1979। जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई है, उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 4 फरवरी 1980। सभी को एक ही वरदान मिला है, जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, जो बाप ने स्वयं दिया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 20 जनवरी 1981। जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही है जो निर्भय बनाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 जनवरी 1986। दिलाराम बाप दादा सच्चे दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशुक को समाने का स्थान दिल है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 मार्च 1987। योग लगाना भी क्या है, खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 25 दिसंबर 1989। एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 1991। मेरा बाबा दिल से मानना, यही विधि है आगे बढ़ने की। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अक्टूबर 1992।
ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। अव्यक्त वाणी डेट है 12 नवंबर 1992। मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 1992। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। अव्यक्त वाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। बाप आया ही है सबकी फिकर लेने के लिए। अव्यक्त वाणी डेट है 18 फरवरी 1993। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना अर्थात दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्त वाणी डेट है 9 मार्च 1993। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है तो बातें क्या लगेंगी खेल। अव्यक्त वाणी डेट है 23 फरवरी 1997। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। अव्यक्त वाणी डेट है 6 मार्च 1997। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। अव्यक्त वाणी डेट है 30 मार्च 1998। दो भुजा वालों को साथी बना देते, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो? कौन ज्यादा सहयोग देगा? अव्यक्त वाणी डेट है 1 मार्च 1999। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अव्यक्त वाणी डेट है 24 फरवरी 2002। अगला टॉपिक है अनमोल रतन। सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। ऐसे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अव्यक्त वाणी डेट है 2 फरवरी 1969। बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। अव्यक्त वाणी डेट है 23 अक्टूबर 1970। सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। अव्यक्त वाणी डेट है 13 मार्च 1971। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिकर और निश्चिंत रहती है। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ उतारने का व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। अव्यक्त वाणी डेट है 4 जुलाई 1971। सर्वज्ञ बाप से ही सदाकाल की प्राप्ति होगी, इसलिए अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो।
अव्यक्तवाणी डेट है 8 मई 1973। सब बातों का रिस्पॉन्सिबल बाप दादा है। बच्चे सदा हर बात में फ्री है, स्वतंत्र है। अव्यक्तवाणी डेट है 8 फरवरी 1977। मदद मिलने का रास्ता पकड़ना चाहिए या मांगना चाहिए? मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जून 1977। ट्रस्टी अर्थात मैपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले। देही अभिमानी अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन हुआ मैं ट्रस्टी हूँ। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जून 1977। कभी कोई बात आए तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसे निश्चय रखो, क्योंकि बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया है। एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और आप तो उनके बच्चे बन गए हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप के साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1978। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। अव्यक्तवाणी डेट है 1 अप्रैल 1978। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 दिसंबर 1978। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय न हो कि संपूर्ण बनेंगे या नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1979। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करता है। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए बाप चक्कर लगाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 1979। सद्योगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1980। बाप की प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। अव्यक्तवाणी डेट है 6 फरवरी 1980। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 1981। ईश्वरीय परिवार पसंद बनने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। अव्यक्तवाणी डेट है 27 मार्च 1981। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द, बाबा। अव्यक्तवाणी डेट है 12 अक्टूबर 1981। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1983।
जहाँ बाप है वहाँ कितने भी चाहे तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 15 फरवरी 1983। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाप के बने हो उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा बने। अव्यक्तवाणी डेट है 24 फरवरी 1983। मेरा है तो विघ्नों का जाल है और मेरा नहीं तो निर्विघ्न। अव्यक्तवाणी डेट है 29 दिसंबर 1983। याद ही समीप का अनुभव कराती है। बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। अव्यक्तवाणी डेट है 29 दिसंबर 1983। जब मेरापन होता है तब फिकर होती है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। अव्यक्तवाणी डेट है 21 नवंबर 1984। मेरा कहना और मुंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अव्यक्तवाणी डेट है 12 दिसंबर 1984। बाप मेरे साथ है इसलिए बाप के आगे अक्षौणी भी कुछ नहीं है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 नवंबर 1985। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम है इसलिए ही गायन है भोलो का भगवान। दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 जनवरी 1986। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1986। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिकर हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिकर होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 10 मार्च 1986। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 5 अक्टूबर 1987। कर्मातीत अर्थात सदा भरपूर, सदा संतुष्ट। मन भी राजी, तन भी राजी और दूसरे भी राजी, इसको कहते हैं कर्मातीत। अव्यक्तवाणी डेट है 18 दिसंबर 1987। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो लेकिन स्नेह के बिना ज्ञान रूखा है। अव्यक्तवाणी डेट है 6 जनवरी 1988। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करे, इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। अव्यक्तवाणी डेट है 30 जनवरी 1988। मेहनत और थकावट से बचने के लिए अर्थात मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए हमेशा समझो करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 फरवरी 1988। कर्म करने के पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ अर्थात सब कुछ बाप का है। अव्यक्तवाणी डेट है 12 मार्च 1988। बेपरवाह बादशाह को
सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 1 दिसंबर 1989। ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वह ड्रामा वह कहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 13 दिसंबर 1989। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिकर बादशाही इस युग में 1 जन्म के लिए ही मिलता है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 दिसंबर 1989। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो वह सर्वशक्तिवान होने से कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 दिसंबर 1989। भोग लगाकर खाएंगे तो ताकत आएंगी, बिना भोग लगाए खाया तो सिर्फ पेट भरेगा लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 25 दिसंबर 1989। बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? बाप की याद के साथ पढ़ाई भी कभी मिस न हो। अव्यक्तवाणी डेट है 22 फरवरी 1990। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया है। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मार्च 1990। कोई कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को यह अच्छा नहीं लगता। साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? अव्यक्तवाणी डेट है 13 मार्च 1990। कैसी भी मुश्किल सेवा हो लेकिन बुद्धि से उस सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 1990। सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो हम परमात्मा की छत्र छाया में है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मार्च 1990। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1991। उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिकर है, लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। अव्यक्तवाणी डेट है 16 मई 1991। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात तेरा मेरा नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 4 दिसंबर 1991। कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1991। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 1992।
सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 फरवरी 1992। सदा एक स्थिति में रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक स्थिति बनाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अक्टूबर 1992। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो यह गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला। अव्यक्तवाणी डेट है 13 अक्टूबर 1992। सदा इस भाग्य को सामने रखो, कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1992। बाबा कहा और खजाना मिला तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1992। मुरली कभी मिस तो नहीं करते, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अव्यक्तवाणी डेट है 10 दिसंबर 1992। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा रखने से ही एक बल मिल सकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। एक बल एक भरोसा की निशानी है खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1993। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मार्च 1993। परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव कराता? बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मार्च 1993। संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, इसलिए नाम भी है सहज योगी। अव्यक्तवाणी डेट है 9 मार्च 1993। अगर गुप्त है तो सबसे आगे है। गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है, ऐसे नहीं समझो कि पीछे है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 नवंबर 1993। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र साक्षी हो, सेवा प्रति कार्य में लगाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 16 दिसंबर 1993। कुछ भी मेरा है तो बोझ है, इसलिए तेरा तेरा कहते फरिश्ते बनो। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जनवरी 1994। ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 मार्च 1994। ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना यह भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 17 नवंबर 1994। मेरे पन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर
1994। अनुभव करो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, बस यह एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 4 दिसंबर 1995। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 22 दिसंबर 1995। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको बाबा द्वारा दिल में सहज ही खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1996। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1996। परिस्थिति को शिक्षक समझो तो वह आपको दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1996। यूज कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है, बाबा साथ है, इसलिए यूज करो। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता आपके चरणों में दौड़नी है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 फरवरी 1996। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण यह है कि अपने को करनहार के बजाय करावनहार समझ लेते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 10 मार्च 1996। जब साइंस की दवाइयां एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? अव्यक्तवाणी डेट है 10 मार्च 1996। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 23 फरवरी 1997। ज्ञान योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार दो शब्द है। एक, बाप ही मेरा संसार है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 1997। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। अव्यक्तवाणी डेट है 13 नवंबर 1997। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्तवाणी डेट है 28 नवंबर 1997। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1998। सबको सुख देना किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1998। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 मार्च 1998। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो।
यह है स्वच्छ मन। अव्यक्तवाणी डेट है 15 फरवरी 1999। आप नहीं चल रहे हो, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक हो। अव्यक्तवाणी डेट है 1 मार्च 1999। कुछ भी हो, पाप साथ है तो मूंझने की क्या बात है। अव्यक्तवाणी डेट है 1 मार्च 1999। समस्या आ गई यह नहीं सोचो, पेपर आया पास हुआ मौज मनाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 1 मार्च 1999। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1999। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 1999। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लो, फिर कामकाज में आओ। अव्यक्तवाणी डेट है 16 दिसंबर 2000। आप सबको पता है जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है, हुक्मे हुकुम चलाए रहा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2000। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है, बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। अव्यक्तवाणी डेट है 4 नवंबर 2001। मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 11 मार्च 2002। अच्छा, ओम शांति।